हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम फूड इज़ गुड। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी पास्ता बिना प्याज लहसुन के और चीज़ के। तो जी आज आपको देती है इसकी रेसिपी। तो मैंने चढ़ा दिया एक फ्राई पैन और उसमें डाल दिए पास्ता और साथ में ही डाल दिया नमक। तो इसको रखा है मैंने मीडियम गैस पर और थोड़ा सा डाल दिया मैंने ऑयल और फिर चढ़ा दिए कढ़ाई और उसमें डाल दिया थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और साथ ही में डाल दिया मैंने थोड़ा सा बटर और फिर डाल दिया मैंने जैसे ही वो पिघला 3 भर के चम्मच मैंने मैदा के और मैदा को मैंने सिम गैस पे अच्छे से भूनती रही और मैंने इसको ऑलमोस्ट ऐसे भून लेना है कि इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाए और मैदा अच्छे से हमारा भुन जाए। और इसको हम बिल्कुल सिम गैस पे भूनते रहेंगे। और ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल मैंने सिम गैस करा हुआ वरना हमारा मैदा जल जाएगा और जला हुआ टेस्ट देगा। और उतनी देर में हमारा 10 मिनट्स में हो गया पास्ता रेडी। मैंने चेक कर लिया था तो गैस कर दिया ऑफ और इसको मैंने छान लिया और छानते सार मैंने डाल दिया इसको ठंडे पानी में और ठंडे पानी से निकाल के मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा ऑयल ताकि ये चिपके नहीं और बिल्कुल खिला खिला अलग अलग पास्ता बने हमारा। और उतनी देर में हमारा ऑलमोस्ट जो मैदा था हो चुका है, बस बिल्कुल भुनने ही वाला है। तो हमने गैस को कर दिया ऑफ और अब डालेंगे इसमें दूध और अच्छे से इसको स्टर करते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। हमने बिल्कुल इसकी लिक्विड ग्रेवी फॉर्म बनानी है। तो जी मेरे पास मेयोनीज हो गई थी ख़त्म, तो मैंने इसी के अंदर दूध डाल के अच्छे से इसे शेक करके इसके अंदर डाल दिया। मतलब इसके अंदर मैंने बिल्कुल आधा चम्मच मेयोनीज डाली है एक हिसाब से, क्योंकि मेयोनीज थी तब। तो मैं ये बिल्कुल सिर्फ मैदे के ऊपर पास्ता बना रही हूँ, तो मैंने इसको करा एक अच्छे से विस्क ताकि बिल्कुल जो लम्स थे सारे मेरे ख़त्म हो जाए। और देख सकते हैं कितनी स्मूथ ग्रेवी बिल्कुल अच्छी तैयार हो गई है। और थोड़ा सा डाला मैंने काली मिर्च का पाउडर और साथ ही में डाल दिया नमक स्वाद अनुसार, आप टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और साथ ही में डाल दिया मैंने पास्ता और अच्छे से इसको कर लिया मिक्स और बिल्कुल शानदार। इसको सिर्फ 2 मिनट पकाने के बाद इतना टेस्टी बना, इतना चीज़ी बना के मेरे बच्चे खा के कहते हैं मम्मा वाह मज़ा ही आ गया। अगर आपको इसकी रेसिपी ट्राई करनी है तो ज़रूर करिए। आप मान लीजिए आप बिल्कुल आपके बच्चे कहेंगे कि जी बहुत मज़ा आया, उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट एंड बाय।